प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दोस्तों, आज हमारे देश में इतनी एयरलाइंस हो गई हैं, हवाई जहाज खूब हो गए हैं। नॉर्थ साउथ एयरलाइंस, बनानिया एयरलाइंस, बेसहारा एयरलाइंस, बैट एयरलाइंस, बहुत एयरलाइंस आ गई। अब उनमें कंपटीशन भी बहुत हो गया है पैसेंजर को खींचने का। उनको फुल तो रखना है, कमाना है। अब पता चला एयरपोर्ट पे सबके स्टॉल लगे हुए हैं और सब पैसेंजर को हसरत भरी नज़र देखते रहते हैं। कहीं कोई एक बैग लेके आता हो, दिखा तो उसको बोलते दिल्ली दिल्ली दिल्ली, ओ भाई साहब दिल्ली ना, हमारे इस एयरलाइंस में हमारे यहाँ दिल्ली ना, आइए ना इधर, आइए ना, अरे रुकना है तू ठहरना है, तेरा फुल हो गया ना, रुकना है यार, तेरा रुकना, आइए ना दिल्ली आइए। तो बोलता है टिकट नहीं, टिकट कौन पूछ रहा है, आइए ना, वैसे चार टिकट साथ एक हॉस्टेस फ्री। अंदर आया वो, इन्होंने ये शुरू किया तो किसी दूसरी एयरलाइंस ने फ्लाइट के पास सीढ़ियों के पास एक मोची बिठा दिया, पैसेंजर चढ़ता है तो पॉलिश करता जाता है। जब इन्होंने ये शुरू किया तो दूसरी एयरलाइंस वालों ने अंदर धोबी बिठा दिया। अब फ्लाइट में अंदर घुसे, कोने में धोबी बैठा हुआ, आप जैसे ही अपना सीट नंबर देख रहे हैं उसने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। क्या कर रहे हो भाई साहब, आप अपने कुर्सी में बैठो, प्रेस करके ला रहा हूँ। आप जब अंदर जाके देखा आपने तो पता चला बहुत लोग नंगे बदन बैठे हुए हैं, एक एक को ला रहा है, पहना रहा है। इस तरह से फैसिलिटी देना शुरू करेंगे, गिफ्ट बांटेंगे। और टेंशन में ये लोग लेडीज़ को शेविंग सेट दे रहे हैं घबराहट में, और जेंट्स को लिपस्टिक पाउडर का सामान गिफ्ट में दे रहे हैं। इस तरह से कंपटीशन बढ़ेगा, तब क्या होगा पता चला दूसरी एयरलाइंस के दिमाग में एक नई चीज़ आई, बोले ऐसा करते हैं पब्लिक को फैसिलिटी देते हैं। बोले क्या करेंगे, बोले ऐसा करो मालिश चंपी वाला घुमा दो अंदर। अब फ्लाई हो रही है, आप एयर में हैं, आसमान में चले जा रहे हैं, अंदर मालिश चंपी वाले शीशियों में उंगली डाले घूम रहे हैं, मालिश चंपिया चंपी मालिशिया, चंपी बोले भाई चंपी मालिश फ्री है, टिकट में शामिल है। ओ टकले मालिश करूँ क्या, ओ जड़िया करूँ चंपी मालिश। थोड़ी देर में मालिश वाले गायब, फ्लाइट डिसबैलेंस हो रहा है, वहाँ सिग्नल आ रहे हैं, सीट बेल्ट बांधे रखिए, लोग पसीने पसीने। एयर हॉस्टेस को बोला एक्सक्यूज मी ये क्या हो रहा है, नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं है, पायलट ना मालिश करवा रहा है। ये सब होने लगेगा और एयर हॉस्टेस को इंस्ट्रक्शन होंगे कि पैसेंजर को बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो दोबारा इसी एयरलाइंस में आना चाहिए, वो बेल मारे फौरन पहुंचो। पता चला आपने बेल मारा टंग टंग पानी के लिए, 15-16 एयर हॉस्टेस आई, हेलो हेलो मैं निशा, ये उषा, ये मालती, ये मीना, ये राधा, ये निर्मला, ये रुक्मणी, बोलो ना क्या चाहिए, बोलो ना क्या चाहिए, ये बोलना, ये बाबा बोलता भी नहीं, कैसे घंटी बजा के हम लोग देख रहे हैं घूर रहे हैं, ये बाबा क्या मांगता, बोलना ये बोलना जल्दी बोलना, जी बाबा इसने पहली बार घंटी बजी भी बोल नहीं रहा, बोलना जल्दी क्या मांगता है। पैसेंजर घबरा गया, कुछ नहीं बस मुझे पानी दे दी, पानी तो हम दे ही रहे हैं, और क्या चाहिए, बोलो ना, ऐसी हालत से गुजरना पड़ेगा। पता चला फ्लाइट किसी तरह से लैंड हुई, लैंड होते ही एयर हॉस्टेस जो खड़ी होती दरवाजे पे विदाई के लिए, बाय बोलने के, नमस्कार बोलने के लिए, वो क्या कहेगी, आप जाने वाले हैं, आपकी ओर देख के कहेगी, हे जा रहे हो क्या, अच्छा सुनो ठीक से एयरलाइंस देख लो, वापस इसी में आना, बाहर बड़ी सौतन है, कहीं भटक ना जाना।